बारिश से बचने के लिए मैं जहाँ आई हूँ वो है नेशनल म्यूजियम ऑफ वेल्स। वैसे तो ये जगह मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, पर आज मुझे यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अगर बारिश ना होती तो मैं यहाँ आती भी नहीं और काफी सारी चीजें मिस कर देती। तो मैं म्यूजियम को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे दिखता है डायनासोर वाली दुनिया। तो ये है एक फॉसिल और डायनासोर की हड्डियां और दांत जो कि मिलियन ईयर्स पुरानी है। जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ मेरा इंटरेस्ट और बढ़ते जाता है। और ये है ब्रिटेन एंड वेल्स का सबसे पुराना स्टोन। वाव, इतना पुराना पत्थर अभी तक रखा हुआ है। और यही रुक के मैं सोचने लग जाती हूँ कि एक पत्थर भी इतना वैल्यूएबल हो सकता है कि इसे म्यूजियम के मेन फ्रेम में रखा गया हो। आज के पहले मैं रास्ते के कंकर पत्थर को बस कंकर पत्थर ही समझती थी, बट मुझे आज एहसास होता है कि चीजें चाहे कितनी भी मामूली सा लगे, हर किसी की एक वैल्यू होती है।